तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, और आज हमारे पास है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, दैट इज अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। अब तक जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने अपलोड किए हैं 1 से लेके 5 तक, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वीडियोस डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपने कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिस किया है तो एक बार जरूर जाके देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली वो अजम्पशंस हैं, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पॉलिसीज हैं जो हमें डिस्क्राइब करती हैं कि हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना है, किस चीज का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है। तो इसी तरह अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, उसके रिगार्डिंग जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6। तो आज हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें किसी भी सब्जेक्ट को लेकर उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, दैट इज डेप्रिसिएशन अकाउंट। जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 को लेकर बनाए गए होंगे वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 जो कि रिवाइज्ड है वो 1 अप्रैल 1995 के दिन या उससे बाद होने वाले जितने भी अकाउंटिंग्स हैं, उस पीरियड के बाद होने वाले जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन है बाय कोई भी फर्म, उनको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। यानी 1 अप्रैल 1995 वाले दिन और उससे बाद ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एप्लीकेबल है। इसके बाद जो भी पर्सन अकाउंटिंग कर रहा होगा उसको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्ड है किस बारे में? ये स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन को लेकर और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इन रिगार्ड्स टू द डेप्रिसिएशन को लेकर। यानी ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या होती है, डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होती हैं, डेप्रिसिएशन के मेथड क्या होते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, मेथड चेंज करें तो क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हुए हमें डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स शो करने हैं। यानी इन शॉर्ट डेप्रिसिएशन को लेकर जितनी भी जानकारी है ना, वो सारी आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मिल जाएगी, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो इसमें लिखा है, This accounting standard deals with accounting for depreciation and the disclosure requirements in connection with depreciation. So accounting standard 6 एक ऐसा standard है जो depreciation की accounting के बारे में discuss करता है, deal करता है और बताता है कि हमें कौन कौन सी चीजें disclose करनी है while charging the depreciation on the depreciable assets. अब इसके अंदर जितने भी main points हैं वो एक एक करके discuss किए गए। सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यानी ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 है ये कौन सी एसेट्स पे अप्लाई होता है? तो सिंपल है, जितनी भी डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं उन सभी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 के रूल्स फॉलो किए जाएंगे। यानी जितनी भी एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जा सकती है उन सबके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। डेप्रिसिएशन का मतलब स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन की ही बात हो रही है, अमोर्टाइजेशन, डिप्लिक्शन या ऑब्सोलेंस की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये सब चीजें सेपरेट हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे समय बीतता रहता है, जैसे जैसे एसेट हम यूज करते रहते हैं, जैसे जैसे एसेट पुरानी होती रहती है वैसे वैसे उस एसेट की वैल्यू कम होती रहती है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अमोर्टाइजेशन, डिप्लिक्शन और ऑब्सोलेंस इन सबसे हटकर है। तो किन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है? डेप्रिशिएबल एसेट्स। अब एसेट्स बहुत सारी है, मैं हर एक एसेट का नाम लूंगा ना तो हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो किन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ये डिस्कस करने के बजाय क्यों ना हम एक ऐसी लिस्ट बना लें उन एसेट्स की जिसके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता, जिसके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 फॉलो नहीं किया जाता। तो चलिए देखते हैं, दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल टू ऑल द डेप्रिशिएबल एसेट्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग टू व्हिच स्पेशल कंसीडरेशन अप्लाई। इन सभी एसेट्स को छोड़ के बाकी सबके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। तो पहला है फॉरेस्ट्स, प्लांटेशंस
एंड सिमिलर रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो रीजनरेटिव होते हैं, जो अपने आप एक ग्रोथ पैदा करते हैं, जो इकोनॉमी के लिए एसेट का काम करते हैं, लेकिन इनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, चाहे ये एक इकोनॉमी की एसेट ही क्यों ना हो। फॉरेस्ट, प्लांटेशन और उससे मिलते जुलते जितने भी सिमिलर रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज तो ऐसे भी होते हैं ना जो अपने आप कम होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर उन नेचुरल रिसोर्सेज की बात कही गई है जो बढ़ते हैं, जैसे फॉरेस्ट अपने आप हुआ, स्पेसिफिक कोई आया नहीं था पर्सन फॉरेस्ट लगाने के लिए, प्लांटेशन की जा सकती है लेकिन फॉरेस्ट नहीं। तो फॉरेस्ट और प्लांटेशन दोनों के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगी क्योंकि ये रीजनरेटिव नेचुरल रिसोर्स। इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट हमारे पास है वास्टिंग एसेट्स। वास्टिंग एसेट्स या वेस्टिंग एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो ओवर द टाइम अपनी वैल्यू अपने आप खो देती है। बहुत सारी ऐसे एसेट्स हैं, फर्नीचर है या फिर कंप्यूटर है या फिर रेफ्रिजरेटर है, टेलीविजन है, बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पर हम उन सभी चीजों की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम उन नेचुरल रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं जो वास्टिंग एसेट्स का पार्ट बनती है, जैसे कि नेचुरल गैसेस, ऑयल, मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए खर्चा भी लगता है, उनको ढूंढने में टाइम भी लगता है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे सड़क पे पड़े नहीं मिल जाते, ढूंढना पड़ता है, उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है, फिर उनको एक्सट्रैक्ट करने पर खर्चा होता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगानी क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनके ऊपर डिप्लिक्शन लगती है, डेप्रिसिएशन नहीं। तो नेचुरल रिसोर्सेज चाहे वो रीजनरेटिव हो जैसे कि फॉरेस्ट या प्लांटेशन, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज सेल्फ डिप्लिक्शन वाले ही क्यों ना हो, वास्टिंग एसेट्स ही क्यों ना हो, जैसे कि मिनरल ऑयल्स, नेचुरल गैसेस एटसेट्रा, इन दोनों के ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 यूज नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारा खर्चा हमें करना पड़ता है कोई नई चीज इन्वेंट करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसको कहते हैं, उनके ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से ना एक एसेट जनरेट होती है और ये खर्चा जो एसेट जनरेट करने में किया जाता है वो एसेट का पार्ट बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने एक ऐसा इंजन इन्वेंट किया जो पानी पर चलता है, उस इंजन को इन्वेंट करने में आपका 1 करोड़ लग गया और जो प्रोडक्ट आपने बनाया वो आप 50 लाख का बेच रहे हो, एक इंजन 50 लाख का बेच रहे हो, तो 1 करोड़ के ऊपर भी और 50 लाख के ऊपर भी आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगानी। या फिर ये समझ लो कि ये जो प्रोडक्ट है ना इसको हटा दो, प्रोडक्ट की बात नहीं की गई यहाँ पर, सिर्फ किसकी बात की है, एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आपने इंजन बनाने में 1 करोड़ का खर्चा कर दिया, ये जो 1 करोड़ का खर्चा है ना वो आपकी एसेट है क्योंकि आपको फ्यूचर में इनकम जनरेट करके देगा। तो क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, क्या इसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अप्लाई होगा? तो आपका आंसर है नहीं, इन चीजों के ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अप्लाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है गुडविल। अब गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट, जितने भी इंटेंजिबल एसेट है उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अप्लाई नहीं किया जाएगा, वहां पर अप्लाई होगा अमोर्टाइजेशन, तो गुडविल के ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद आता है लाइव स्टॉक। अब ये लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक हम उन एनिमल्स को कहते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई बार यूज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ घोड़ा गाड़ी, टांगा, या फिर आपका बिजनेस ही ऐसा है जिसमें आपका जो गाय भैंस बकरी है ना वही आपकी एसेट है, तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी, या फिर ये कह लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट लैंड। लैंड तो नॉर्मली देखा जाए तो बढ़ती ही है, उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन नहीं होगा अनलेस इट हैज लिमिटेड यूजफुल लाइफ फॉर द एंटरप्राइजेस। अगर वो लैंड लिमिटेड लाइफ के लिए ही है तब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, अदरवाइज नहीं। तो किन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का रूल अप्लाई नहीं होगा, समझ आ गया सबको? अब सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। ये मैंने अभी बताया, डेप्रिसिएशन इज अ मेजर ऑफ वियरिंग आउट कंजम्पशन और लॉस इन द वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। वो सभी एसेट्स जो अभी हमने डिस्कस की ना, इन सबको छोड़ के बाकी बची हुई सारी एसेट्स जो नॉर्मली बिजनेस में यूज करने के कारण वियर आउट हो जाती है, टियर आउट हो जाती है, जिसकी वैल्यू कम हो जाती है ड्यू टू द टाइम, ड्यू टू द यूसेज, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। थर्ड पॉइंट, मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। अब ये डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं क्या?
जो डेप्रिशिएबल एसेट्स नहीं है वो तो हमने देख ली, लेकिन ये डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन सी होती है? डेप्रिशिएबल एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसका टाइम पीरियड एक साल से ज्यादा होता है, जो बिजनेस में एक साल से ज्यादा स्टे करती है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो लिमिटेड होता है। एक साल से ज्यादा मतलब नहीं अनलिमिटेड, एक साल से ज्यादा मतलब 2, 5, 10, एक लिमिट लाइफ होती है उसकी, जिसके कारण उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहती है। और तीसरा बट नॉट द लिस्ट, ये जो एसेट है वो रीसेल करने के लिए नहीं रखी जाती, इसको आप यूज करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, फर्दर गुड्स बनाने के लिए यूज करते हो, जैसे कि मशीन्स। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। कौन सी? नंबर वन, द इकोनॉमिक यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज स्प्रेड टू मोर देन वन अकाउंटिंग। वो सारी एसेट्स जिसकी वैल्यू एक साल से ज्यादा देर के लिए बिजनेस में रहती है और उसका जो इकोनॉमिक टाइम पीरियड है वो एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ है। एसेट शुड हैव अ लिमिटेड यूजफुल लाइफ, अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड लाइफ होनी चाहिए, तभी उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होते होते कम होएगी। सो उसका लाइफ एक साल से ज्यादा होना चाहिए लेकिन अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड। और तीसरा, द एसेट इज हेल्ड फॉर यूज एंड नॉट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी आपने ये जो एसेट रखी है ना अपने पास, ये ऐसी एसेट है जो आप यूज करोगे, रीसेल नहीं। यूज कहाँ करोगे? द एसेट इज हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज और हेल्ड फॉर गिविंग इट ऑन रेंटल टू द अदर्स और हेल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। मतलब यूज करनी है कहीं भी यूज करो, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए, सर्विसेज सप्लाई करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करने के लिए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? एसेट। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये सेम पॉइंट है, आई थिंक एक पॉइंट डी इसमें मिसिंग है, वेट अ सेकंड, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। डी पॉइंट, जस्ट अ सेकेंड, अभी हम इसमें डी पॉइंट भी ऐड कर देते हैं। जो डी पॉइंट है वो है मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। आई थिंक ये हमारे स्लाइड का ही पार्ट होगा लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। चलिए फिर भी हम अपनी दूसरी स्लाइड से इसको ओपन करके दिखा देते हैं आपको। तो मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, अब ये डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है वो अमाउंट जिसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ए पॉइंट मिसिंग है ना, तो वो मैं आपको समझा। मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट वो अमाउंट होती है जिसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। और डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज की जाती है? सिंपल, डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है जिस प्राइस पे आपने एसेट परचेज की, है ना, इसको हम लिखेंगे ओरिजिनल परचेज प्राइस, ओरिजिनल परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब जब हम ओरिजिनल परचेज प्राइस की बात करते हैं तो ओरिजिनल परचेज प्राइस का मतलब होता है जितने में आपने एसेट परचेज करी प्लस अगर उसको इंस्टॉल करने में आपने कोई खर्चा दिया है या फिर आपने कोई उसका डेमो लिया था उसका खर्चा दिया है या फिर आपने उसके ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा दिया है, मतलब कोई भी खर्चा अगर आपने बियर किया है ना उस एसेट को यूज करने से पहले, चाहे वो फैक्ट्री में लेकर आने तक का किराया भाड़ा हो, ट्रांसपोर्टेशन, चाहे उसकी लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस हो, चाहे उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, चाहे उसके डेमो चार्जेस हो, वो सबको मिला के हमारे पास ओरिजिनल परचेज प्राइस आता है। फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, सॉरी, फिर इसमें से हम माइनस कर देते हैं स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जितने में वो एसेट कबाड़ के भाव में बिकेगी। कबाड़ के भाव का मतलब होता है कि भाई जितने में वो एसेट
लास्ट में जब भंगार रह जाएगी ना उतने में बिकेगी, उसको कहते हैं हम स्क्रैप वैल्यू। सो अगर मैं इसको थोड़ा प्रैक्टिकली शो करके बताऊं तो सिंपल है, मान लो आपने अपनी एक एसेट 5 लाख की परचेज करी, उसके ऊपर 1 लाख लग गया आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, 1 लाख लग गया आपका इंस्टॉलेशन, तो आपका ओरिजिनल हिस्टोरिकल प्राइस परचेज प्राइस क्या हो गया 7 लाख। इसमें से आप माइनस करोगे स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जितने में वो कबाड़ के भाव बिकेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपकी ये जो एसेट आप परचेज करके लेके आए हो इसका लाइफ है 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद ये बिकेगी भी तो ना 1 लाख से ज्यादा की नहीं बिकेगी, इसका जो स्क्रैप है इसका जो लोहा है वो 1 लाख तक का बिक जाएगा, यानी आपको डेप्रिसिएशन किस अमाउंट के ऊपर चार्ज करनी है 6 लाख के ऊपर। तो आपका डी पॉइंट जो यहाँ पर मिसिंग है मैंने बता दिया वो क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, वो अमाउंट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है, और डेप्रिसिएशन किसके ऊपर चार्ज करते हो, ओरिजिनल परचेज प्राइस में से आप स्क्रैप वैल्यू या फिर कह लो रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर देते हो, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। जब हम ओरिजिनल कॉस्ट फाइंड करते हैं तो उसमें आपको पता चल गया कि कैसे आपने क्या क्या चीजें ऐड करनी है, लेकिन ये जो स्क्रैप वैल्यू होती है ये कैसे पता लगाते हैं, ये पता लगाने का सिंपल वे है, आप किसी दूसरी फर्म की एग्जाम्पल लेकर देख सकते हो कि उस फर्म ने ये एसेट जब परचेज करी तो कितने साल चली और एट द एंड ये कितने की बिकी। तो ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती, कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। चलिए, सो ये हमारे पास था डी पॉइंट। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे, दैट इज ई पॉइंट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन व्हेन डेप्रिसिएशन एसेट इज रीवैल्यू। अब कई बार क्या होता है, हम एसेट यूज कर रहे होते हैं उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगा रहे होते हैं, लेकिन एसेट ना कई बार हमें रीवैल्यू करनी पड़ती है, मार्केट में उसकी वैल्यू कई बार ज्यादा हो जाती है कई बार कम हो जाती है। तो नो डाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप अपनी एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू कर सकते हैं, बट एज पर दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफ डेप्रिसिएशन एसेट इज रीवैल्यूड द डेप्रिसिएशन प्रोविजन शुड बी बेस्ड ऑन द रीवैल्यूड अमाउंट एंड द एस्टिमेटेड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। यानी जब एक बार आपने अपनी एसेट की वैल्यू को रीवैल्यू कर लिया, आपने अपनी एसेट की न्यू वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो फिर आपको दोबारा से डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पहले 6 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा रहे थे, लेकिन अब आपने दोबारा पता लगाया कि आपकी मशीन की वैल्यू जो है ना वो रीवैल्यूड हो चुकी है और न्यू लेटेस्ट वैल्यू आपकी मशीन की है 8 लाख, और एस्टिमेटेड जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है आफ्टर 10 ईयर्स वो है अगेन 1 लाख, तो अब आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या हो गई 7 लाख। तो ये पॉइंट ई पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर आप अपनी एसेट की वैल्यू रीवैल्यू करते हो तो नो डाउट कर सकते हो, लेकिन तब आपको एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट भी रीवैल्यू करनी पड़ेगी, जिस अमाउंट के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाना है वो भी एक बार दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो लिखा हुआ है ना, इनकेस द रिवैल्युएशन हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन द सेम शुड बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द ईयर इन विच रिवैल्यू वाज कैरीड आउट। जिस ईयर में आपने रिवैल्युएशन की है उसी ईयर में आपने एस्टिमेटेड वैल्यू भी रिवैल्यू करनी है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने की अमाउंट भी रिवैल्यू करनी है, और अगर बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है, डेप्रिसिएशन के अमाउंट में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, तो वो चेंज जो आया है वो आपने डिस्क्लोज भी करना है, ये चेंज आया है। एफ पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन और एक्सटेंशन। अब देखो कई बार क्या होता है, बिजनेस को ना अपनी एसेट में कई बार कुछ एडिशन करना पड़ता है, कई बार एक्सटेंशन करके मशीन को और बढ़ाना पड़ता है। एडिशन और एक्सटेंशन एक ही बात है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये एडिशन और एक्सटेंशन जो है ना वो टू वेज में किए जाते हैं, एक इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल नेचर, एक इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल नेचर। कैपिटल नेचर का मतलब होता है कि आपने अपनी मशीन में अपनी एसेट में एक ऐसा पोर्शन ऐड करवाया है जो उस एसेट का पार्ट बन जाएगा, जब तक वो एसेट चलेगी तब तक वो मशीन का पार्ट भी चलेगा, जैसे ही मशीन खराब हुई वो एसेट भी बर्बाद हो जाएगा, वो जो पोर्शन आपने ऐड किया है वो और कहीं यूज होने के लायक बचेगा ही। इन दिस सिचुएशन आपको उस पोर्शन के ऊपर सेम रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है कि लाइफ जो होगी वो भी उतनी ही रहेगी जितनी आपकी एसेट की लाइफ है। जैसे मान लो आपने एक
मशीन का बेल्ट रिपेयर करवाया, रिपेयर नहीं एक बेल्ट नई परचेज की, वो ऐसी बेल्ट थी जो उस मशीन की मोटर पे ही लग सकती थी और किसी मशीन की मोटर पर वो यूज हो ही नहीं सकती। इसका मतलब जब तक वो मशीन है तब तक वो बेल्ट है, जैसे मशीन खराब हुई, जैसे मशीन की लाइफ खत्म हुई, वैसे ही उस बेल्ट की लाइफ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो बेल्ट कहीं और किसी और मशीन में यूज करने के लायक है ही नहीं। सो ऐसे सिचुएशन में हमें उस मशीन के अकॉर्डिंग ही इस बेल्ट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, क्योंकि वो बेल्ट इस मशीन का पार्ट बन चुकी है। तो यहां पर लिखा हुआ है, व्हेन देयर इज एनी एडिशन और एक्सटेंशन टू एन एग्जिस्टिंग एसेट व्हिच इज ऑफ कैपिटल नेचर एंड बिकेम्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, अगर हम अपनी एसेट पे कुछ एडिशन करवाते हैं और वो ऐसा एडिशन है जो कैपिटल नेचर का है, एक ऐसा एडिशन है जो उस मशीन का पार्ट बन जाएगा, हम उसको सेपरेट कर ही नहीं सकते, सच एडिशन और एक्सटेंशन शुड बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। तो उस बेल्ट को भी हम उसी साल उतनी देर के लिए ही डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जितनी मशीन की लाइफ बची है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी मशीन की लाइफ 10 साल है, 5 साल जिसमें से मशीन काम कर चुकी है, अगले 5 साल के लिए हमें नई बेल्ट परचेज करनी पड़ी, तो बेल्ट की लाइफ चाहे 10 साल ही क्यों ना हो, लेकिन मशीन ही 5 साल चलेगी तो बेल्ट भी 5 साल ही चलेगी ना, क्योंकि वो बेल्ट स्पेसिफिकली उस मशीन के लिए ही बनी है और कहीं वो यूज हो ही नहीं सकती। ऑन द अदर हैंड, अगर आपने एक ऐसी चीज परचेज की है जो एक सेपरेट पार्ट बन सकती है, जो नॉर्मल है, नॉर्मल एडिशन आपने किया है, तो कोई बात नहीं, आपने सेम रेट पे डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है, लेकिन जब मशीन खराब हो गई तो आप उस पोर्शन को निकाल कर किसी और जगह भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो आपने जो मशीन है जो खराब हो गई है उसकी मोटर सड़ गई थी, आपने मोटर रिप्लेस की, नई मोटर लगा, जो पूरी मशीन है उसकी लाइफ सिर्फ 5 साल रह गई थी, मोटर की लाइफ 15 साल है, तो मशीन 5 साल चल के खराब हो गई लेकिन मोटर का अभी भी 10 साल बचा हुआ है, तो उस मोटर को निकालो और कहीं और यूज कर लो। तो अगर आप अपनी एसेट में कुछ ऐसा पोर्शन एडिशन करवाते हो, एक्सटेंशन करवाते हो, जिसकी अपनी अलग पहचान है, जिसकी अपनी एक अलग सेपरेट आइडेंटिटी है, तो उस सिचुएशन में आप जो एडिशन करवाए हो उसका डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी लाइफ अलग यूजफुल लाइफ है, लेकिन हाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहेगा। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल टू द एक्सटेंशन इज शुड बी सेम एज एग्जिस्टिंग एसेट, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहना चाहिए, वो अलग नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी पॉइंट, दिस स्टैंडर्ड आल्सो लेज डाउन द ट्रीटमेंट टू बी गिवन इफ देयर इज अ चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ना अपना डेप्रिसिएशन का मेथड ही चेंज कर देती है। नॉर्मली कितने मेथड होते हैं, यहां पर हमने डिस्कस करना है मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। वैसे तो 4-5 तरह के मेथड है, लेकिन नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी, इंस्टॉलेशन मेथड भी कहते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हम डिमिनिशिंग और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो ये दो बेसिक मेथड्स हैं जिसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। आपने कौन सा मेथड यूज किया डेप्रिसिएशन के ऊपर, एसेट के ऊपर फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये भी आपको डिस्क्लोज करना हो। तो मेथड पता चल गए, इन्हीं दोनों में से कोई एक मेथड आपको सिलेक्ट करना होता है। अब कई बार क्या होता है, फर्म्स को ना अपना मेथड चेंज करना पड़ता है, तो मेथड चेंज करो नो डाउट, लेकिन किस सिचुएशन में मेथड चेंज करना है वो आप देख लो। नंबर वन, वेयर द अडॉप्शन ऑफ न्यू मेथड इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर कानून कहता है, लॉ कहता है कि आपको मेथड ये नहीं ये वाला लगाना चाहिए, ये वाला नहीं ये लगाना चाहिए, आपको मेथड चेंज करना ही पड़ेगा। सेकंड, वेयर द अडॉप्शन ऑफ न्यू मेथड इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लायंस विद एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कई बार आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करना पड़ता है, तो वहां पर भी आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर सकते हो। तीसरा, जब कोई प्रिसाइज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और अच्छा और बढ़िया और इफेक्टिव और एप्रोप्रिएट शो करने के लिए आपको मेथड चेंज करना पड़े, तो कर सकते हो। हियर इट इज कंसीडर्ड दैट चेंज वुड रिजल्ट इन मोर एप्रोप्रिएट प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर आपको लगता है कि अगर हम मेथड चेंज करेंगे ना तो
तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और भी अच्छी बनेंगी, तो वहां पर भी आप डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब आप मेथड चेंज करो ना, तो डेप्रिसिएशन के मेथड चेंज करने से ना कई बार आपको प्रॉफिट भी हो जाता है, कई बार आपको लॉस भी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड किया, तो मेथड चेंज करने की सिचुएशन में कई बार बिजनेस में आपको सरप्लस भी हो जाता है और कई बार डेफिसिट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना स्टार्ट किया और आफ्टर 5 years आपकी डेप्रिसिएशन हो गई 5 lakh। ऑन दी अदर हैंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते तो डेप्रिसिएशन होती फॉर एग्जाम्पल मान लो 4.8 lakh। इस सिचुएशन में अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पर शिफ्ट कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू 20,000 कम हो जाएगी। तो सिंपल है, इसका मतलब आपके बिजनेस को 20,000 का क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे पहले और अब आप शिफ्ट कर जाते हो स्ट्रेट लाइन मेथड पर, तो आपके बिजनेस को 20,000 का क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी, डेफिसिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन का मेथड आप चेंज करते हो तो इसके इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोजर में जरूर देनी है, फुटनोट में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में जरूर डिस्क्लोज करनी है। और इसके साथ साथ अगर आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया ना, तो एसेट जब से लेकर आपके पास है, जब से आपके पास है वहां से लेके अब तक जब आपने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया, उस पीरियड तक सभी को चेंज करना पड़ेगा। यानी हर ईयर की डेप्रिसिएशन आपको चेंज करके ओवरऑल प्रॉफिट हुआ के लॉस हुआ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर तो सरप्लस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, और अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। सो अगर मेथड चेंज करते हो तो इन तीनों में से कोई एक रीजन होना चाहिए डेप्रिसिएशन चेंज करने का। दूसरा पॉइंट, अगर डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज करते हो तो एसेट जब से लेकर आपके पास है यहां तक जब आपने मेथड चेंज किया, इस पूरे पीरियड की डेप्रिसिएशन आपको सारी दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी और कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि बिजनेस को मेथड चेंज करने से प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड, लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। कौन से प्रॉफिट एंड लॉस में, करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में आपने रिकॉर्ड करना है, जिस ईयर में आपने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया उस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आई, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ कंपनीज। देखो सिंपल है, किस एसेट के ऊपर कितना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ये आपको कंपनी एक्ट 2013 में बताया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन का रेट अप्लाई करना है। इसके बाद फ्रीडम टू मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। आपके पास ना बिल्कुल फ्रीडम है कि आपने कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर लॉ उस मेथड को चेंज करने को बोलेगा तो फिर आपको वो मेथड चेंज भी करना होगा। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज करना है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो फिर आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन फ्रीडम है आपके पास, आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है या फिर जो मेथड है वो इन तीनों चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। यानी कि आपकी किस तरह की एसेट है, आप किस नेचर से उसको यूज कर रहे हो, कौन से बिजनेस में यूज कर रहे हो और बिजनेस में कौन से सर्कमस्टांसेस, उसके अकॉर्डिंग आपको रेट और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सिलेक्ट करना है। लास्ट पॉइंट है डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1, आपने कौन सा मेथड यूज किया। नंबर 2, टोटल डेप्रिसिएशन आपकी कितनी चार्ज की है हर क्लास ऑफ एसेट के ऊपर, कितनी क्लास ऑफ एसेट्स आपकी होंगी, हर एसेट की ग्रॉस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है हर ईयर की। उसके बाद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ ईच क्लास ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब आपके पास जितनी भी तरह की एसेट है ना, हर क्लास ऑफ एसेट की टोटल डेप्रिसिएशन। यानी फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास फर्नीचर है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है, तो इसको कहते हैं क्लास ऑफ एसेट। इन सब की हर ईयर की डेप्रिसिएशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब ईयर की डेप्रिसिएशन,
किस ईयर में कितनी डेप्रिसिएशन आई, सबका टोटल डिस्क्राइब करना है, फिर हर क्लास ऑफ एसेट का टोटल 3 साल में कितनी डेप्रिसिएशन आई वो यहां पर आपने लिखनी है। इसके बाद सभी एसेट का टोटल, इन तीनों एसेट्स की डेप्रिसिएशन का टोटल कितना आया वो भी लिखना है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन रेट, यूजफुल लाइफ दोनों आपने बताने हैं, मतलब आपने कौन सा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाई और यूजफुल लाइफ आपने कितनी एस्टिमेट की, वो दोनों आपने बताने। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है जिसमें हम ना डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो चेंज कर रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं, जो हमने अभी तक प्रोविजंस पढ़ी उनको अप्लाई करते हैं। अ मशीनरी कॉस्टिंग 1 lakh वाज परचेज्ड बाय पेइंग 1 lakh एज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस अमाउंटेड टू ₹1 lakh। तो सबसे पहले तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है वो पता लगाते हैं। डेप्रिसिएशन अमाउंट सिंपल है, हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल परचेज प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो हिस्टोरिकल परचेज प्राइस कितना है, 8 lakh की हमने परचेज की, 1 lakh हमने इंस्टॉलेशन और 1 lakh हमने ट्रांसपोर्टेशन के दिए, तो टोटल आ गए 10 lakh। रेजिडुअल वैल्यू कोई नहीं गिवन इसलिए हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, तो डेप्रिसिएशन हमने किसके ऊपर चार्ज करनी है, 10 लाख के ऊपर। बिजनेस डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% यूजिंग रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉर 10 इयर्स बिजनेस डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसमें क्या कह रहे हैं, बिजनेस ने 4 साल के लिए अपनी मशीनरी के ऊपर 10 लाख वाली मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की 10% रिटन डाउन वैल्यू मेथड के ऊपर, लेकिन बाद में इन्होंने चेंज कर दिया मेथड और कहा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपने फर्स्ट 5 या 4 इयर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, फिर अमाउंट आपने बताना है कि सरप्लस हुआ या डेफिसिट हुआ आफ्टर चेंजिंग द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं इन दोनों मेथड के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट हमारे पास है जो ओरिजिनल हम फॉलो कर रहे थे, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, और सेकंड हमारे पास है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो कैलकुलेशन वगैरह सब मैंने यहाँ पर की हुई है। रिटन डाउन वैल्यू मेथड आपको पता ही है, वो मेथड होता है जिसमें हम जो वैल्यू बच जाती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में आपकी मशीन 10 लाख की थी, इसके ऊपर 10% लगाएंगे तो 1 लाख आएगा, बचा 9 लाख, यानी फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आपकी हो गई 1 लाख। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग, 90,000 का 10% आ जाए, 9 लाख का 10% आएगा 90,000, तो सेकंड ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई 90,000, कितनी वैल्यू बची, 8,10,000। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी 10%, तो आ जाएगा 81,000। सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन हो गई 81, माइनस करके आ जाएगा 7,29,000। अब इसके ऊपर 10% लगाएंगे तो क्या आएगा, 72,900। ये आ गई फोर्थ ईयर की डेप्रिसिएशन 72,900। इसके बाद वैल्यू बचेगी 6,56,100। तो फर्स्ट 4 ईयर की टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई इनकी, ये आएगी 3,43,900। सारी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर की हुई है। अब स्ट्रेट लाइन मेथड तो वो मेथड है जिसके अकॉर्डिंग हर साल आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहने वाला है, 1 लाख के ऊपर 10% फॉर 4 इयर्स। तो सिंपल है, फर्स्ट ईयर में 1 लाख आ जाएगा, सेकेंड ईयर में भी 1 लाख, थर्ड ईयर में भी 1 लाख, फोर्थ ईयर में भी 1 लाख, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 4 लाख। तो सिंपल है, अगर आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आपका लॉस होगा 3,43,900, 3,43,900। लेकिन अगर आप इसको शिफ्ट कर दोगे स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर तो आपकी टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगी 4 लाख, यानी आपको तो घाटा हो रहा है, ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ रही है। कितनी डिफरेंस लेंगे, ये आएगा नेगेटिव में 56,100। यानी सिंपल है,
5 ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 5 ईयर की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, अगर इसमें मैं 1 साल की और डेप्रिसिएशन लगा दूं तो ये आएगा 65,610। ठीक है, सो 5 ईयर तक की डेप्रिसिएशन इतनी होगी। तो पहले का आंसर मिल गया। सेकेंड का आंसर था कि अगर हम शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, सरप्लस या डेफिसिट? तो हमें होगा डेफिसिट। कितना डेफिसिट होगा? 56,100। और क्योंकि ये डेफिसिट है, कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड। और ये जो चेंज है हमें डिस्क्लोज भी करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये चेंज कब से अप्लाई होगा? बिगिनिंग से लेके अब तक। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप वीडियो एकदम अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। मिलेंगे अगले स्टैंडर्ड के साथ। ओके।